आज का जो मेरा वीडियो है वो पिलग्रिम के पीलिंग सॉल्यूशन के ऊपर है। और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको तीन अलग अलग स्किन्स ली, उन तीनों स्किन्स पे इसका एप्लीकेशन किया। तीनों जो स्किन्स थे उनके टाइप्स अलग थे, मुझे तीनों स्किन के जो रिएक्शंस थे वो देखने थे। अब मुझे इतना वेट नहीं करना था कि मैं 3-4 वीक इसको कंटिन्यू यूज़ करती फिर इसके रिएक्शंस देखती, और फिर भी मुझे यही पता चलता कि मेरी जो एक्ने प्रोन स्किन है, मेरी जो ऑयली स्किन है उसके ऊपर इसके क्या रिएक्शंस आते हैं क्या नहीं आते। लेकिन जैसे कि और भी जो मैंने पीलिंग सॉल्यूशंस पे वीडियो बनाए हैं तो अलग अलग स्किन्स वाले जो कुछ थे, कुछ को वो सूट थे, एक दो को उनसे कंप्लेंट्स थी, तो वो देखते हुए मैंने इनको तीन अलग स्किन पे ट्राई किया। उसके बाद उन तीनों स्किन से जो रिएक्शन थे मैंने वो लिए, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। हाय, वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है वो पिलग्रिम के पीलिंग सॉल्यूशन के ऊपर है। तो इस वीडियो के अंदर एक तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो सेंसिटिव और ड्राई स्किन होती है क्या उसको कोई नुकसान पहुंचाता है नहीं पहुंचाता है, या उसके ऊपर इसके रिएक्शंस कैसे हैं। साथ ही जो मिनिमाइलिस्ट का मैंने पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ किया है, डीडर्मा का मैंने जो पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ किया है, पिलग्रिम का जो मैंने पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ किया है, मैंने इनमें डिफरेंस क्या देखा है, और ये जो एक जो है वो इसमें बहुत अलग बात है, बहुत बेनिफिट वाली बात भी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है वो बात, वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। साथ ही जो मैंने एप्लीकेशन किया अपने फेस पे, मैं उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक सेंसिटिव स्किन के ऊपर मैंने इसका एप्लीकेशन किया था, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट्स का लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं पिलग्रिम पीलिंग सॉल्यूशन की। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैंने इससे पहले अपने सारे वीडियोस के एंड में शुरू में मैं एक बात क्लियर करती हूँ कि जिन भी लोगों को कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है और मन में डाउट है कोई प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले कि यार अगर हम लोग ये प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली अगर हम लोग इसको परचेस करते हैं तो हमारे पैसे भी लग जाएंगे, पता नहीं हमारी स्किन को सूट होगा भी कि नहीं होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप उस प्रोडक्ट का मुझसे रिव्यू करवाना चाहते हैं। तो साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है newrashi123 के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, मुझे लगता है उसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अगर मुझे लगता है कि हाँ यार जेन्युइन है या फिर इनको मुझे यूज़ करना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए, तो मैं उनको ज़रूर यूज़ करना चाहूँगी। और स्पेशली जो एक्सफोलिएशन है, जो 10% 11% 12% 15% तक के जो केमिकल्स हैं जिनको आप यूज़ करना चाहते हैं, आप उनके लिए भी अगर मुझे कहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ किसी केमिकल का पर्सनली, तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी। जो पिलग्रिम पीलिंग सॉल्यूशन है ये मैंने कमेंट के बाद ही बनाया है, इसके बाद मुझे इंस्टा पर भी इसके मैसेज थे, तो मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कंटिन्यू, अब जाकर मेरा मन हुआ है। और ये पिलग्रिम का मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, पिलग्रिम का ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट है। इससे पहले मैं कंटिन्यू अभी पिलग्रिम का ऑयल फ्री एक मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर रही हूँ, हाइलुरोनिक एसिड का, और एक स्लीपिंग मास्क है उसका मैं वो भी कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। लेकिन उसका रिव्यू करने से पहले मेरा था कि मैं उसको 15 डेज़ कम से कम यूज़ करूँ, उसके बाद उसका रिव्यू करूँ। तो पिलग्रिम पीलिंग सॉल्यूशन मिनिमाइलिस्ट और डीडर्मा का जो फर्स्ट प्लस पॉइंट था वो ये था कि मैंने इसको तीनों स्किन पर ट्राई किया। मिनिमाइलिस्ट मैंने अपनी ही स्किन पर ट्राई किया था, डीडर्मा भी मैंने अपनी ही स्किन में ट्राई किया था। 25% AHA पिलग्रिम में भी है, 25% AHA मिनिमाइलिस्ट में भी है, 25% AHA डीडर्मा में भी है, 2% BHA तीनों के अंदर 2% BHA यानी कि जो सैलिसिलिक एसिड है वो 2% तीनों के अंदर है। मिनिमाइलिस्ट में आई थिंक PHA है 5%, इसमें भी PHA है 5%, शायद डीडर्मा में मिनिमाइलिस्ट है, डीडर्मा में से कोई एक है उसमें PHA नहीं है, बाकी एक में PHA ऐड है 5%। तो ये कॉमन चीज़ है इनके अंदर की, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, ये इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इनके अंदर हैं। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिक एसिड जो कि कैसे वर्क करता है, ये आपके जो रिमूव डेड स्किन्स हैं उनके सेल्स को रिमूव करता है, डेड सेल्स रिमूव करता है, आपकी स्किन को प्योर बनाता है। जो इसमें 2% BHA ऐड होता है जिसको अपन हम लोग BHA बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड जो होता है, सैलिसिलिक एसिड जो आपके क्लोज पोर्स हैं उनको क्लीन करता है, अगर आपकी स्किन में ऑयल बन रहा है वो उसको क्लीन करता है, आपके ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स को क्लीन करता है, अगर आपकी स्किन में एक्ने है किसी भी तरीके के वो उनको क्लीन करता है, अगर वो जो छोटे 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 दाने होते हैं फॉरहेड पे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर चिक्स पे या इधर बनते हैं ये उनको भी क्लीन करता है। साथ ही इसमें लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का काम क्या, लैक्टिक एसिड आपकी स्किन में ब्राइटनिंग का काम करता है। अगर आप लैक्टिक एसिड के प्रोडक्ट्स देखेंगे या आप इनके जो भी ऑयलमेंट्स यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या कोई भी उसको सिरम में यूज़ कर रहे हैं, किसी भी वे में अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि लैक्टिक एसिड का काम ही ब्राइटनिंग का काम होता है। तो ये थे जो इनके अंदर इन्ग्रीडियंट्स थे उनका काम क्या है। अब बात करते हैं हम लोग, जब मैंने मिनिमाइलिस्ट का प्रोडक्ट यूज़ करा था, पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करा था,
बर्निंग थी, उसमें इचिंग थी। 2-3 मिनट के बाद ही मुझे खुजली शुरू हो गई थी, मुझे थोड़ा सा जलन शुरू हो गया था। फिर मैंने अपने फेस को वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद भी वो 10-15-20 मिनट था, उसके बाद वो स्किन नॉर्मल हो गई थी। जब मैंने डीडर्मा का यूज़ किया तब भी मेरे साथ सेम था, मुझे बर्निंग भी थी, इचिंग भी थी, खुजली भी हो रही थी, थोड़ा सा जलन भी हो रहा था। फिर वही मैंने उसको ठंडे पानी से वॉश किया, और वॉश करने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, वही 10-15 मिनट तक का था, उसके बाद नॉर्मल हो गया था। लेकिन रिएक्शन की अगर बात करूँ तो ना मुझे कोई रेडनेस हुई थी, ना मुझे कोई दाने हुए थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन मिनिमलिस्ट एक दो सेंसिटिव स्किन वाले लोग थे, जब उन्होंने यूज़ किया तो उन्होंने मुझे बोला, मैडम मुझे रेडनेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक ने मुझे बोला मेरी आईज़ के नीचे रेड कलर का मार्क आ गया। अगर ऐसा देखो किसी के भी साथ होता है, चाहे किसी भी पीलिंग सॉल्यूशन से होता है, तो आप इंस्टेंट चाहें तो उस वक्त तो फेस को वॉश करने के बाद वहाँ पर आइसिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग तक वो चीज़ ठीक हो जाएगी। पीलग्रिम पीलिंग सॉल्यूशन मैंने मेरी स्किन पे यूज़ किया, आप लोगों को पता है मेरी ऑयली एक्नी प्रोन स्किन है, साथ ही मैंने इसको ड्राई स्किन पे यूज़ किया, और मैंने इसको एक सेंसिटिव स्किन पे यूज़ किया। मैंने तीनों एक टाइम पे इन तीनों स्किनों पे इसका एप्लीकेशन किया, मैंने देखा ना कोई बर्निंग थी, ना कोई ईचिंग थी, ना कोई खुजली थी, ना कोई प्रॉब्लम थी। जो ड्राई स्किन वाला था उसको इधर हल्का सा आई थिंक 2-3 मिनट बहुत लाइट सी ईचिंग हुई थी, अब पता नहीं उसको हुई थी नहीं हुई थी, उसको फील हुआ था ऐसा कुछ, लेकिन वो उसका 2-3 मिनट बाद था कि नहीं अब मेरा फेस ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से बर्निंग तीनों स्किन में नहीं हुई थी, तीनों स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई ईचिंग नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी स्किन में। मैन हो या वुमेन हो, 18+ कोई गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, अगर आप अपना कोई अच्छा एक्सफोलिएशन चूज़ करना चाहते हैं कि हम लोगों को वीकली एक्सफोलिएशन यूज़ करना है, तो आप लोग पीलग्रिम चूज़ कर सकते हैं। आज भी मेरा जो फेवरेट है वो मिनिमलिस्ट है, क्यों? क्योंकि मिनिमलिस्ट मेरा फर्स्ट ऐसा ब्रांड है जिसको मैंने यूज़ करना शुरू करा, तो वो मेरा फेवरेट है। लेकिन पीलग्रिम मुझे पसंद आया बर्निंग और इचिंग की प्रॉब्लम में, तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है मैं उनको कहूँगी कि आप मिनिमलिस्ट डीडर्मा की तरफ ना जाकर आप पीलग्रिम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बर्निंग और इचिंग से बचाएगा। साथ ही अगर आप लोगों को रेडनेस वगैरह होता है, और जिन लोगों को कोई रिएक्शन हुए भी हैं, अगर उनको भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप लोग पीलग्रिम चूज़ कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब बात करते हैं इसका जो प्राइस है वो 545 है अभी, आई थिंक इसमें अभी लेटेस्ट में ये मैंने जैसे कि पहले लिया था, अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है 1-1 का, तो आप लोग ये साथ में कोई और प्रोडक्ट ले सकते हो, इससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है। मॉइस्चराइज़र ले सकते हो इसका, हाइलोरोनिक एसिड जो ऑयल फ्री है, मुझे वो अभी तक अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू यूज़ कर रही हूं। तो आप लोग वो इसके साथ परचेस कर सकते हैं। इसका जो स्लीपिंग मास्क है वो आप फिर और कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग को किसी और प्रोडक्ट की नीड है तो, या आपको अच्छा लगता है तो। मैं अभी फ़िलहाल इसी के बारे में कहना चाहूँगी, आप 1-1 में इसको 2 भी परचेस कर सकते हो, अभी आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। साथ ही 545 का था जैसे ही तो, और इसकी जो लिक्विड है जेल फॉर्म में है, ये जेल फॉर्म की तरह काफ़ी मतलब थिक है। तो मैंने एप्लीकेशन में आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका किस तरीके से एप्लीकेशन करना है। 10 मिनट के लिए इसको फेस पे रखना है, वही फेस को वॉश करना है, फेस को ड्राई करना है, फिर इसको अप्लाई करना है। अंडर आई मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ कि आपको यूज़ करना है, डार्क सर्कल के आसपास बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, लिप्स पे यूज़ नहीं करना है, बस फेस पे आपको इसको यूज़ करना है, और इसको 10 मिनट के लिए रखना है। वीक में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है आप लोगों को इसको। जो लोग फेशियल से बचना चाहते हैं आप लोग भी, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो हम लोग फिजिकल एक्सफोलिएशन यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, वो आपकी स्किन का जो ऊपर का है वही क्लीन करते हैं, लेकिन जो ये वाले एक्सफोलिएशन होते हैं केमिकल एक्सफोलिएशन, या आपके डीप पेनिट्रेट होकर जिसमें 2% BHA होता है, BHA स्किन को अंदर से भी प्योर करता है, तो ये आपकी स्किन को अंदर पेनिट्रेट होकर फिर क्लीन करता है, तो ये वो काम भी करता है। तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताती हूँ कि मैंने इसका एप्लीकेशन कैसे किया है। सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश किया फेस वॉश की हेल्प से, उसके बाद मैंने अपने फेस को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद मैंने पीलग्रिम का जो मेरा पीलिंग सॉल्यूशन था उसे अपने फेस पे एप्लीकेशन किया। मैंने जो अंडर आई वाला एरिया होता है उस पर बिल्कुल भी पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया है, और मैंने लिप्स का एरिया भी बिल्कुल नहीं लिया। मैंने पूरे फेस पे इक्वल क्वांटिटी में इसको अप्लाई किया, उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट तक अपने फेस पे यूं ही रहने दिया है। 10 मिनट के बाद मैंने अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश किया। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद मैंने इसको ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद जो मेरे पास पीलग्रिम का मॉइस्चराइज़र था मैंने वो यूज़ किया है। आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो आप उसे अच्छे से मसाज कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप सो जाएं, और नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोग सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें मॉइस्चराइज़र के साथ। तो
ये था इसका एप्लीकेशन जो कि मैंने किया और आप लोगों को बताया। एक चीज़ और है, ये सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल्स फ्री है, पैराबेन फ्री है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। साथ ही ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, ऑयली स्किन हो, या कॉम्बिनेशन स्किन हो, या अगर आपकी स्किन पर एक्ने हो, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन हो, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं यही कहूँगी आप इसको नाइट टाइम में यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि केमिकल हम लोग नाइट टाइम में यूज़ क्यों करते हैं, हम दिन में भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको ये होना चाहिए कि मैं बाहर धूप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि 24 आवर्स तो आई थिंक आपको अपनी स्किन को कोई भी केमिकल आप यूज़ करें केयर मांगता ही आपका फेस। तो मैं यही कहूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आपको जहाँ भी जाना हो तो आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें बाहर जाने से पहले। तो ये था मेरा पिलग्रिम पीलिंग सॉल्यूशन को लेकर वीडियो, और अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को एक लाइक दे देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई और प्रोडक्ट है जिस पर मैं रिव्यू करूँ या आपके कहने पर मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है newrashtri123 के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको देर से जवाब दूँ, लेकिन मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू सर।